आधे घंटा पहले का माहौल यहाँ पे कुछ और बना हुआ था, काफी लंबी लाइन थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने आके इतना बढ़िया काम करा के जो वार्ड के अलग अलग चीजें थी उनको अलग अलग लाइन में बांट दिया है। प्रशासन काफी सहयोग कर रहा है। काफी धक्का धक्के का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आकर यहाँ पर मामले को अपने कंट्रोल में लिया है। देखिए आगे मामला हुआ क्या है आखिर। देखिए यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आके मामला यहाँ पर संभाल रखा है। जो बोलिंग वाले हैं काफी धूप में खड़े रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से इतनी गर्मी के माहौल में जहाँ जनता वोट के लिए कड़ी धूप में खड़ी है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान भी अपनी ड्यूटी से नकारते नजर नहीं आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी फुल ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। सामने तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ये वोट डालने वाली भीड़ नजर आ रही है सामने आपको, काफी खतरनाक धूप है, लेकिन फिर भी मतदाता अपनी जोश और गर्मी के साथ यहाँ पर वोट डालते हुए सामने आपको नजर आ रहे हैं। इतनी भीड़ के बावजूद भी पब्लिक वोट करने के लिए तैयार खड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जो नेता है शायद उनका भला कर सके। धूप इतनी हो रही है, जनता के लिए कुछ जनसेवक भी यहाँ पर मौजूद है जो धूप के लिए शामियाना बांध रहे हैं। काफी माहौल गर्माया हुआ है, गर्मी भी काफी है, लेकिन युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में जोश कम नहीं है। वो अपने वोट के लिए, अधिकार के लिए घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन का बहुत बढ़िया सहयोग चल रहा है यहाँ पर। बुजुर्ग भी यहाँ पे अपने मतदान के लिए आए हुए हैं। ये देखिए युवा भी है, जैसे शरीर में गर्मी इस टाइम मौजूद दिखाई दे रही है, वैसे गर्मी मौसम में भी दिखाई दे रही है। भीड़ हो रही है, इसलिए नहीं डाला है। आराम से डराएंगे लोगों को, वगैरह का या प्रशासन कोई दबाव नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। बढ़िया माहौल चल रहा है, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पर भी सभी लोगों से हमने बात की, सभी को बता रहे हैं कि यहाँ पर माहौल बिल्कुल बेहतरीन है और पुलिस प्रशासन का साथ बना हुआ है, किसी तरह का मामला नहीं है। लेकिन हाँ, ये मौसम में जैसे गर्मी है, युवाओं में, बुजुर्गों में ऐसी गर्मी दिखाई दे रही है, साथ में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। कोई टेंशन नहीं है, किसी नेता का या किसी भी प्रशासन का यहाँ पर जोर दबाव नहीं है। बढ़िया तरीके से वोटिंग की जा रही है यहाँ पर। जैसे बताया गया था कि हर पोलिंग पे हमारे तो कम से कम जनता जनार्दन भी मौजूद, जनता की जो धूप में परेशान हो रही थी उसके लिए बिचौलिया यहाँ पर खड़े हुए, एक उन्होंने ठंड का माहौल बना दिया है। देखिए हमारे बिट्टू भाई यहाँ पर समाज सेवी है, काफी मेहनत करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आलम है। यहाँ की कौन सी जगह है? ये मुस्तफाबाद विधानसभा है, वार्ड नंबर 243 है, और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, दिल्ली प्रदेश मैं प्रचार मंत्री हूँ। मैं इलेक्शन का तो मामला ही चल रहा है जी, इस टाइम तो इलेक्शन जो है बढ़िया चल रहा है और ठीक चल रहा, और हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी से बढ़िया वोटिंग हो रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे, इसमें कोई दो राय वाली बात तो है नहीं। और इस बार जो मुस्लिम जो हमारे वोटर है उनको भी रुझान है उनका भी, और वो भी वोट डाल रहे हैं इस बार, भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहे हैं, आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी को डाल रहे हैं। और तो हर आदमी का होता है, वो विपक्ष तो ये चाहता अपनी अफवाह फैलाता, वो तो कहेगा ही कि जी हमें डल रहे यार, हमें डल रहे। तो जो अंदर की बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही, आदरणीय सांसद वो अच्छे वोटों से, पहले से मनोज तिवारी जी पहले से भी ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। ये जुमला वाली सरकार है, इसने आज तक कुछ करके काम कुछ करके नहीं दिया, 15 लाख देंगे, आज तक तिवारी जी नहीं आए यहाँ पे, तो ये विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा है, कन्हैया कुमार को जिताया जा रहा है यहाँ से, यहाँ से जो आएंगे कन्हैया कुमार आएंगे। नुगर तिवारी जी ने 10 साल में कोई काम नहीं करा, नहीं ये तो मोदी जी भी कह रहे हैं 15 लाख देंगे, दिए क्या, कोई काम कराया क्या? कुछ नहीं कराया उन्होंने, तो कह दिया झोला लेके आओ, झोला लेके निकल जाओ। तो उम्मीद है आगे समझ में के वो इस काम को पूरा उतार पाएंगे। दिल्ली में जो आए हैं नुगे पढ़े लिखे दिमागदार और डॉक्टर हैं, और वो काम करके दिखाएंगे, बाकी इसने बीजेपी ने तिवारी ने कुछ नहीं करके दिया है। यहाँ जा रहे हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस का कुछ नहीं है, जुमलों के अलावा कुछ नहीं है, खाली जुमला है।
ये जनता का रुझान देखिए आप, आपने इशारा समझने से काफी होता है ये मामला कहां पर बना हुआ है, समाचार को इशारे काफी होता है जनता अपने।